ये मंजिल बड़े जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। लेकिन गुरु शरण जी, एक लाइन में सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जो किसानों पर लाठियां पड़ी वो दरअसल कांग्रेस के दौर में पड़ी। सर दिसंबर 2014 बूंदी का मामला, जहां पर लाठियां दी थी और पुलिस की कस्टडी के अंदर बाकायदा यूरिया बांटा गया था, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये इकलौती घटना थी जो दो बीजेपी के दौर में हो गई और ज्यादा पब्लिक हाइक मिल गया इसको, या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस के दौर में ही लाठियां पड़ी थी? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये एक घटना से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। किसानों के साथ इस बंटवारे के नाम पे, खाद बंटवारे के नाम पे बार बार और कई दफ़े ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोई एक घटना हुई नहीं, और ये दोनों के दौर में लगातार चलता रहता है। और ये खाद का तो सिस्टम ऐसा बहुत बार बना है कि किसान को लाइन में खड़े होकर दो दो दिन तक इंतज़ार करके भी खाद मिलती रही है, ऐसी स्थिति भी रही है। तो ये एक प्रोसेस है जो दोनों के दौर में बारी बारी से चलता रहता है और बारी बारी से चलता रहा, और आगे भी अगर सही व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसा ही रहेगा इनका। जी, यानी कि आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके दौर के अंदर किसको कितनी लाठियां पड़ी हैं? नहीं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि दोनों के दौर में ही लाठियां पड़ती रही है, दोनों के दौर में ही लाठियां पड़ती रही। किसी ने रामजीत पटेल जी किसान से लिया, वाकई में जो रोजगार की बातें यहां पर की गई हैं और आंकड़ा हर दिन आता है, कभी गृह मंत्री कहते हैं कि 13 लाख को रोजगार सृजित किया गया, कभी कुछ प्रवक्ता यहां पर आकर भी कहते हैं कि 36 लाख को सृजित किया गया, अमित शाह जी भी आकर कह के गए थे कि 26 लाख के करीब को सर्जित किया गया। मेरा मकसद ये नहीं कि आंकड़े कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और सेंसेक्स कितनी तेजी से गिर रहा है, मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस बजट के बाद बेरोजगार खुश होंगे, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं जो की गई हैं। हाँ बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने सही कहा कि रोजगार अगर मिलता है, जिन्होंने बोला कि हम 77,000 भर्तियां करेंगे, अगर इन भर्तियों के करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन भर्तियों से पहले अगर पिछली भर्तियां भी हो जाएं तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि ये भर्तियां तो आने वाली सरकार करेगी, चाहे बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की सरकार। आप ये कह रहे हैं कि 1,08,000 जो भर्तियां अटकी पड़ी हैं, जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अगले 2-3-4 महीने के अंदर उनको कंट्रोल करके और शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल सर, पिछले 5-6 साल से नहीं, पिछले 5-6 सालों से अटकी हुई भर्तियों की इतनी फेहरिस्त लंबी हो चुकी है कि स्टूडेंट हताश हो चुके हैं, और हताश होते होते बेचारे बड़े शहर में पढ़ने जैसे तैसे कर्जा लेकर आते हैं, फिर अपने गाँव वापस लौट जाते हैं। तो इसलिए इन सब का जब निपटान होगा कि पुरानी भर्तियां ही बजट को जरा बताइए 10 में से कितने नंबर देंगे। देखिए सर, अभी चुनावी बजट है, इसमें नंबर देने की बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि पुरानी भर्तियां नहीं हुई, बेरोजगार हताश है, तो 4-5 नंबर के लायक तो 4-5 नंबर देंगे। ठीक है गुरुशरण जी, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। चारू जी आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे। मुकेश जी मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन लोकेश भाई जरा बताइए, बेरोजगारों को भी यहाँ पर साधने की कोशिश कर दी, किसानों को भी साधने की कोशिश कर दी, चिकित्सा शिक्षा महिलाओं को साधने की भी कोशिश कर दी, तो क्या बस अब कांग्रेस इसी मुद्दे के साथ, इस जुमले के साथ जाएगी कि ये चुनावी बजट है? देखिए पूरी तरह से मैंने आपको बार बार आंकड़ों सहित बात करने का प्रयास किया और ये समझाने का प्रयास किया कि पिछले तमाम बजटों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो भी घोषणाएं की थी उनका अता पता जमीन पर नहीं है, धरातल पर एक भी योजना की क्रियान्विति नहीं हुई। देखिए विद्युत के मामले में इन्होंने कहा कि हम अभी इनको 8 लाख नए घरेलू कनेक्शन देंगे, पिछली बार भी कहा था 8 लाख, अभी तक ये आंकड़ा नहीं आया कि कितनों को घरेलू कनेक्शन दिए हैं। 765 जीएसएस का इन्होंने, लेकिन उसका जीएसएस का अभी तक अता पता नहीं है। हमने 7,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन छोड़ा था, इन्होंने उसे कितना बढ़ाया इस बात की जानकारी ये मुझे आंकड़ों में दे कि इतना विद्युत जो प्रोडक्शन है वो हमने बढ़ा दिया है। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, घोषणाएं हैं, और इन घोषणाओं से ये जो अभी उपचुनावों में जो हार हुई है, इनकी जो शर्मनाक हार हुई है, उसको साधने का ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। ये भी मैं जानना चाह रहा हूं कि कैथ लैब खोलने की घोषणा यहां पर की गई, लगभग हर संभाग के अंदर ये खोलने की घोषणा की गई, मेरा सवाल इससे उल्टा है, लैब टेक्नीशियन की तो भारी किल्लत है, बिल्कुल क्या करेंगे कैथ लैब का?
जब लैब टेक्नीशियंस की भर्ती नहीं निकालेंगे या उनके लिए कोई इस तरीके का प्रोविजन स्थापित नहीं करेंगे तो ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, आपने स्वयं ने कहा नीति आयोग की रिपोर्ट को ये झुटला रहे हैं कि उनका पता नहीं कौन सा सिस्टम होगा सर्वे करने का, लेकिन ये जो तमाम इंस्टीट्यूशन है, ये प्रदेश नहीं देश भर के वो इंस्टीट्यूशन है जो नामी है और जिनके आधार पर सरकारों को निर्णय लेना पड़ता है कि किस तरीके से सरकार देंगे। जीरो 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 अंक का इनका बजट जो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है, जिस ऐसा पर, तो कांग्रेस के दौर में बीजेपी भी नहीं करती थी लोकेश भाई। आने वाले समय में लोकेश भाई ऐसा तो कांग्रेस के दौर में बीजेपी भी नहीं करती थी, वो भी एक दो नंबर दे जाती। जीरो नंबर देंगे ये बजट, बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक बजट। लोकेश जी जरा बताइए कि कैथ लैब की घोषणा की गई, सुनिए जरा कैथ लैब की घोषणा की गई। आप ये जानते होंगे कि राजस्थान में कितने लैब टेक्नीशियन ट्रेंड है, रिक्त पद नहीं थे, इसके लिए रिक्त पदों को सर्जित करने के लिए सरकार ने घोषणा की है और जो जितने भी ट्रेंड लोग हैं और उन सब लोगों को, अरे आपके बीच में नहीं बोला ना, आप मेरे से बड़े नेता हो सकते हैं, आप मेरे से बड़े नेता हो सकते हैं, सुनने की बात रखो, छोटे लोगों को भी सुनने की बात रखो, लोकेश भाई छोटे लोगों को क्लोज करना प्लीज। मुकेश भाई मुकेश भाई पहले से ही किल्लत चल रही है, ये मानिए कि पहले से ही किल्लत चल रही है। शर्मनाक हार हुई, शर्मनाक हार तो थी 200 में से 20, इसको कहते हैं शर्मनाक हार। अच्छा शर्मनाक हार ये नहीं होती है 80,000 60,000, आपने जो घोषणा की थी आपका एहकार बोल रहा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ शर्मनाक हार आपकी थी, देख लिया शर्मनाक हार आप देखने वाले हो, आगे देख लिया आप देख लीजिएगा, इसलिए आप बौखलाए हुए हो। नहीं, नहीं, आपके पास ना जवाब है ना आपके पास आपका ये अहंकार है, ये आपका अहंकार है, जीत का ये आपका अहंकार है, जीत का मैंडेट को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये तो तय हो गया, ठीक है लोकेश भाई ये तो तय हो गया, जिस तरीके से आप और मुकेश जी चुनाव के साथ इसको जोड़कर देख रहे हैं, ये चुनावी बजट तो देख रहे हैं, दोनों ही चुनावी बजट तो इसको देख रहे हैं। मुकेश भाई 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर है, इससे अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता था। आप आगे भी सुनिए, वो कसौटी पर खरे नहीं खरे उतरे, हमने 90% वादे पूरे किए हैं और इस ये जो कह रहे हैं ना कि ये सरकार का हम जुमले के रूप में जाएंगे, आपको चुनाव में जाने से पहले 90% से ज्यादा आपको काम नजर आ जाएंगे, श्वेत पत्र जनता आपको जवाब देगी, आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, जो आपने संकल्प पत्र जारी किया था उसके कितने वादे आपने पूरे किए और 4 साल के चुनावी घोषणा चुनावी बजट जो जो आपने किए पिछले 4 सालों के बजट थे उन घोषणाओं को कितना पूरा किया, जो सरकार की जनता आपको सुन रही है, हम हर वर्ष घोषित करते हैं, तमाम हम हर वर्ष घोषित करते हैं, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप कभी कभी सरकारी कागजों को पढ़ने का प्रयास भी कीजिए। लोकेश भाई शुक्रिया, केवल राहुल आपका भी शुक्रिया, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, रामजीत पटेल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, गुरुशरण मोड़ जी आपका भी शुक्रिया और चारू जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कमाल देखिए, जो विपक्ष में बैठे हैं वो कहते हैं कि जीरो, जो पक्ष में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 10/10 यानी कि 100%, बाकी जो हैं वो कोई 3 नंबर दे रहा है, कोई 5 नंबर दे रहा है, कोई 2 नंबर दे रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये चुनावी बजट है? जनता ने इसका जवाब दिया है, लेकिन विकास होता कैसे है? इसके लिए चूंकि बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया, उन्होंने प्रोग्राम बजट खत्म करने से पहले कुछ चंद लाइनें कही थी, उनका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं। उन्होंने कहा था मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून जताना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसको यहां पर रखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है क्योंकि अगर तिनका तिनका किसी भी पार्टी ने उठा लिया होता और यह घोंसला बना लिया होता तो बजट पर बहस नहीं होती, बजट में विकास की राह दिखाई देती। हर बार बजट पर बहस के दौरान यही नजर आता है कि ये जुमले हैं, ये जमीन पर होंगे नहीं, उम्मीद करेंगे। कम से कम जो बजट ये आया है ये जमीन पर पूरा नजर आए, क्योंकि अगर बजट जमीन पर आ गया 100% आ गया तो कम से कम 80% जनता को राहत मिल जाएगी। बिग फाइट लाइव में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ये मंजिल बड़े जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं।